आज हम क्लास थर्ड के ईवे सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, माय फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। पेरेंट्स और उनके बच्चे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लिव टुगेदर इन अ हाउस। फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं सब एक ही घर में एक साथ रहते हैं। सम फैमिलीज आर बिग एंड सम आर स्मॉल। फैमिलीज के कुछ फैमिली बड़ी होती है और कुछ फैमिलीज छोटी होती है। वैन ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर इन अ फैमिली। जब सिर्फ पेरेंट्स, मम्मी पापा और उनके बच्चे एक ही परिवार में रहते तो वो एक स्मॉल फैमिली की कहलाती है। और स्मॉल फैमिली इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। एक छोटी फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। वैन ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल्स आंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिव टुगेदर इट इज नोन एज अ बिग फैमिली। जब ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी पेरेंट्स मम्मी पापा अंकल्स आंट्स चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं तो वह बिग फैमिली कहलाती है। अ बिग फैमिली इज आल्सो नोन एज अ जॉइंट फैमिली। एक बिग फैमिली जॉइंट फैमिली के नाम से भी जानी जाती है। समटाइम्स चिल्ड्रन स्टे विथ ओनली वन पेरेंट आइदर अ फादर और अ मदर। कुछ काफ़ी बार चिल्ड्रन होते हैं वो सिर्फ एक पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, जैसे कि सिर्फ पिताजी के साथ या सिर्फ माताजी के साथ। सच अ फैमिली इज नोन एज अ सिंगल पेरेंट फैमिली। ऐसी फैमिली या ऐसे परिवार को सिंगल पेरेंट फैमिली कहा जाता है। अ रिलेशनशिप इन अ फैमिली। पीपल इन अ फैमिली हैव सम रिलेशनशिप। एक परिवार में जितने पीपल होते हैं सबका एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, रिलेशन होता है। वी नो दैट पेरेंट्स ऑफ अवर पेरेंट्स आर अवर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें पता है कि हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। अवर फादर पेरेंट्स आर अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे पापा जी के जो मम्मी पापा होते हैं वो हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। अवर मदर्स पेरेंट्स आर अवर मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे मम्मी के जो माता पिता होते हैं वो हमारे मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं। सिमिलरिटीज अमंग द फैमिली मेम्बर्स। द फैमिली मेम्बर्स यूजली हैव सम सिमिलरिटीज। जो फैमिली के मेम्बर होते हैं लगभग उनकी आदतें या उनकी हाव भाव एक जैसे होते हैं। समटाइम्स दे लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकल फीचर। आनुवंशिक गुण या भौतिक गुणों के कारण कई बार फैमिली के मेम्बर एक जैसे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हेयर लाइक योर ग्रैंड मदर एंड आइज लाइक योर ग्रैंड फादर और नोज लाइक योर फादर एंड लिप्स लाइक योर मदर। जैसे कि माना कि आपकी हेयर आपके दादी जी के जैसे हैं एंड आपकी आंखें आपके दादाजी की हैं और नोज लाइक योर फादर आपका जो नाक है वो आपके पिताजी के जैसा है एंड लिप्स लाइक योर मदर और आपके लिप्स होंठ आपकी मम्मी जैसे हैं। द फीचर्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिटेबल फीचर। ये जो फीचर होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं इन्हें हेरिटेरी फीचर्स कहा जाता है। समटाइम्स टू चिल्ड्रन आर बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। कुछ बार दो बच्चे एक ही समय में एक ही मम्मी के पेट से जन्म लेते हैं। दे मे लुक अलाइक एंड के आर कॉल्ड ट्विंस। वे लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं और उन्हें ट्विंस कहा जाता है। However, it is important to know that not all twins are alike. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है important नहीं है कि दो सभी twins एक जैसे दिखाई दे। Sometimes the members of a family may have similar habits. काफ़ी बार family member की आदतें भी एक जैसी होती है। This is because they are related to each other and learn the values and habit from one another. ये इसलिए होता है कि रिलेटेड सब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे की वैल्यू और हैबिट कॉपी करते हैं या उन्हें देख के ही वे सीखते हैं। केयरिंग एंड शेयरिंग इन अ फैमिली। द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर। फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को लव करते हैं और केयर करते हैं। दे हेल्प
each other by sharing work such as looking after children, cooking, cleaning and washing. वे एक दूसरे का काम भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प करते हैं, जैसे कि बच्चों की देखभाल करना, खाना पकाना, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. केयरिंग एंड शेयरिंग मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन. केयरिंग और शेयरिंग एक खुशी फैमिली बनाते हैं या एक हैप्पी फैमिली बनाते हैं. अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल. हमारी फैमिली हमारी पहली स्कूल है. एज इट टीच अस मैनी थिंग्स. यहाँ से फैमिली से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. वी लर्न वैल्यूज एंड मैनर्स फ्रॉम अवर फैमिली. हम एक दूसरे की वैल्यू करना, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना और मैनर्स अपनी फैमिली से सीखते हैं. एज चिल्ड्रन एक बच्चे के तौर पे वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स एट होम. एक बच्चे के तौर पे हमें हमारे मम्मी पापा की घर में मदद करनी चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट एंड ओबे अवर एल्डर्स. हमें हमारे बड़ों की रेस्पेक्ट और उनका सम्मान करना चाहिए. गेट टुगेदर्स इन अ फैमिली. ऑल द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली सेलिब्रेट फंक्शन टुगेदर. सारे फैमिली के मेम्बर एक साथ मिलकर फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं. रिलेटिव्स ऑफ दैट फैमिली. फैमिली की रिलेटिव्स रिश्तेदार आल्सो जॉइन द फंक्शन. जो दूसरे रिश्तेदार होते कहीं और होते वो भी फंक्शंस के तौर पे हमारे यहाँ आते हैं. रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मीट ईच अदर ऑन वेडिंग्स, बर्थडेज, फेस्टिवल्स एंड वेकेशंस. हमारे जो रिलेटिव्स रिश्तेदार होते हैं और फ्रेंड्स होते हैं वो हमसे हमारे यहाँ पे कोई ओकेजन, वेडिंग्स, शादियाँ, बर्थडेज या फेस्टिवल और वेकेशंस के दौर पे हमारे से मिलते हैं और हम इंजॉय करते हैं. दिस फैमिली गेट टुगेदर्स टीच अस अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फैमिली. ये एक साथ मिलके हम इंजॉय करते हैं और हम इससे ये सीखते हैं कि एक दूसरे की कैसे रेस्पेक्ट करते हैं और केयर करते हैं. जब अपन वेकेशंस और फेस्टिवल्स पे एक दूसरे से मिलते हैं और वेकेशंस और फेस्टिवल्स के कारण हम एक दूसरे के क्लोज आते हैं. अ फैमिली ट्री लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. फैमिली लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. जैसे कि एक पेड़ की शाखा या ब्रांचेस होती है. अवर फैमिली मेंबर आर द ब्रांचेस ऑफ अवर फैमिली ट्री. हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो हमारे फैमिली ट्री की ब्रांचेस या शाखाएँ हैं. द रूट्स ऑफ द फैमिली ट्री आर अवर फॉर फादर्स. और फैमिली ट्री की जो जड़ें होती है वो हमारे फॉर फादर्स होते हैं, यानी कि हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा. लुक एट युक्तिस फैमिली ट्री. यहाँ युक्ति की फैमिली ट्री है. ये युक्ति का फैमिली ट्री है जहाँ पे युक्ति के पैटर्नल ग्रैंड फादर दादाजी, पैटर्नल ग्रैंड मदर उनकी दादी जी, मैटर्नल ग्रैंड फादर उनके नाना जी, मैटर्नल ग्रैंड मदर उनकी नानी जी, उनके फादर उनके पापा, उनकी मदर उनकी मम्मा, उनका भाई और उनके लिटिल सिस्टर. और ये है युक्ति. आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ. अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे.